हेलो, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो 80 में से 80 स्कोर करना चाहते हैं। तो 80 में से 80 स्कोर करने का जो नॉलेज है, सीक्रेट है, पाने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान हानिकारक हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जैसे कोई भी जंग या किसी को भी मनाना हो, ठीक है, अपने चाहने या चाहने वाली को भी, ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ता है, उसे जानना पड़ता है। ठीक है, उसे जानने से हमको क्या आइडिया पता चलता है कि उसे हम कैसे अपने वश में कर सकते हैं। तो सिमिलरली एग्ज़ाम्स में भी आपको इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम को जानना। तो एग्ज़ाम जानने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या करनी है आपको, कि सिलेबस को अच्छे से जाने। अभी भी इतने सारे बच्चे हैं जो अभी भी ये पूछते हैं, क्या सर सिलेबस क्या है, ओके। और दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो जानने के लिए आपको करना क्या है, ICSE की वेबसाइट है cise.org, वहाँ पे जाकर पेपर और स्पेसिमेन पेपर और सिलेबस सब अवेलेबल है, उसे ले लेना है। और इन सब चीज़ों को, सिलेबस को ओपन करके वन बाय वन टिक कर देने, कौन से टॉपिक कट है, तो अपने को वापस वो करना ना पड़े। ये हो गई पहली चीज़। दूसरी चीज, स्पेसिमेन पेपर को बहुत ध्यान से देखना है। अगर हो चुका है आपका मोस्ट ऑफ सिलेबस, तो उसे सॉल्व भी करना है। स्पेसिमेन पेपर सॉल्व करने से क्या होगा, क्या होगा, आप खुद ही सोच सकते हो। कि किसी को मनाना था तो क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी, वो पता चल जाएगा। तीसरी चीज, रिवीजन। अब रिवीजन क्या है, नमक में अगर खाने की कमी हो तो कैसा रहेगा, अच्छा लगेगा नहीं। तो कितनी भी मेहनत आपने की हुई हो बट रिवीजन नहीं है, तो वो चीज़ फीकी ही रहेगी। तो रिवीजन को बहुत अच्छे से प्लानिंग करना है। अब रिवीजन करते वक्त क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, तो रिवीजन में आपको अपनी पूरी बुक जो है उस गो थ्रू होना है। अब गो थ्रू का मतलब ये नहीं पेज पलट दो, उसका मतलब ये पढ़ो, नोट्स बनाते बनाते, माइंड मैप्स बनाते बनाते, और सारे के सारे जो न्यूमेरिकल्स अपने को दिए हुए हैं, वो सारे न्यूमेरिकल्स को अच्छे से सॉल्व करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, स्पेसिफिकली वो चैप्टर्स जिसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल्स का वेटेज है, फर्स्ट चैप्टर टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, पुली वाले सम्स, कैलोरीमेट्री के सम्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी के सम्स एंड साउंड के सम्स, ओके, ये मोस्ट ऑफ चैप्टर्स हैं जिसमें आपको न्यूमेरिकल्स देखने मिलेंगे। उनको आपको थरली एग्जांपल सारे सब कुछ सॉल्व करना है। ठीक है, प्रोबेबली हम माने तो हमारे पास 60 डेज है। 60 डेज कैसे काउंट किए, 15 डेज ऑफ नवंबर, पूरा दिसंबर और 15 डेज ऑफ जनवरी, ये 60 डेज को काउंट किया है। अगर इस 60 डेज को अच्छे से यूटिलाइज करते हो तो जनवरी मंथ से आप अपने पेपर को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हो, मिड जनवरी से। ठीक है, पूरी स्ट्रेटजी रहेगी 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करने के लिए। ठीक है, अगर आपको रिवीजन पे डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में मैसेज करने में शर्माइए मत। ठीक है, शर्माने से कुछ होगा नहीं। ठीक है, अगर किसी को सच में वश में करना है तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। बाय।